बन जाए। एलिज आपकी चाय। यारी तुम्हारी चाय ना ठंडी होगी, गरम करके दे दो। हम कहे ये काम रह गया है का कि चाय गरम कर 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 लाए? का है? काम का ही घर में एक कप गरम चाय नहीं मिल सकती का? अरे काहे नहीं मिलेगी पति महाराज, लाए है ना तुम मेरी चाय, एली तो पीजिए ना, ये तो बहुत ही गर्म है। देखिए हम बताते, देखो अब तक कितना गर्म है, लीजिए पीजिए। अब काफी है, ससुर उंगली डाल के बर्बाद कर दी। अच्छा ए, मैं हम उंगली डाल दी तो चाय खराब हो गई। गुस्सा आ रहा है ना तुमका? और रुका का जो दिन भर हम कच्चे कर रहते हैं, ये उंगली को ना चूमते रहते हो दिन भर, और हम चाय में डाल दिए तो चाय जहर होगी ना। यार देखा ऐसा है कि बहस मत कर, हमारा बटुआ दे दो, जैकेट दे दो, हम जा रहे हैं बाहर। ताकि खुद ही ले लीजिए, चलिए हटिए। क्या बात है आरुषि, बड़ी जल्दी तैयार होगी यार, ऑफिस जल्दी पहुंचना है क्या? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल हम जीजू से मिलने रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वहां से डायरेक्टली ऑफिस चले जाएंगे। क्यों, कृष्णा से मिलने की क्या जरूरत? वो तन्मय, हम ना दीदी को लेकर बहुत परेशान हैं, इसीलिए हम जीजू से दीदी के बारे में बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि दीदी बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है, वो बहुत डिस्टर्ब होंगी। हम जीजू से बात करना चाहते हैं, उन्हें कहना चाहते हैं कि उन लोगों को किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और फिर हम उनसे मिलके दीदी की रिपोर्ट्स ले लेंगे, फिर हम लोग किसी दूसरे डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन ले लेंगे। अच्छा तो किसी और का परिवार आगे नहीं बढ़ रहा तो तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, लेकिन जब हम अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चे के बारे में तुमसे बात करते हैं तो तुम्हें बेवकूफी लगती है। खुद के परिवार के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन प्रतिज्ञा दीदी का परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा तो बहुत परेशानी है। दूसरों की जिंदगियों में दखल देने, उनके रिश्तों के बारे में सोचने के अलावा कभी अपने रिश्ते के बारे में भी सोच लीजिए मैडम। मन में हो रहा भी काम वाम करेगा यार, मतलब अजीब दुविधा में फंस गए हैं। अरे यार हम और प्रतिज्ञा जो है ना, हम दिल से चाहते कि हमारा बच्चा हो, पता नहीं काहे भगवान हमका ये खुशी से वंचित कर रहा है यार। हुआ हुआ देखो वो शक्ति भाई, वो चाहते ना उनका बच्चा और उनका बाप बनने का सुख दे दी। ज्यादा तकलीफ ना हमको प्रतिज्ञा के लिए हुई थी। अरे कहा भीतरी ओकरे ऊपर यार, हम अपनी सगी बहन से अच्छे से बात नहीं कर पाती यार। हमका एक बात बताओ, पूजा पाठ सच में काम आता है का है? मतलब ये श्रद्धा में शक्ति होती है, तुमका क्या लगता है बताओ? हाँ भैया बिल्कुल ही होती है, यही लिए तो इतने लोग इतनी मन्नत मांगते हैं जो कि फलित भी होती है। ये भैया आप थोड़ा इंतजार कीजिए और विश्वास रखिए। अरे विश्वास करने तो मुश्किल है यार, बाकी इतनी आसानी से जो है ना उम्मीद न छोड़े वाले। हाँ साफ बता रहे, प्रतिज्ञा को ना ऐसे निराश न हो देंगे, चाहे जो हो जाए। किसने कहा तुमसे कि हम उदास हैं? हाँ किसने कहा कि हम खुश नहीं हैं? लेकिन हाँ हम हंस क्यों नहीं रहे हैं पता है? क्योंकि तुमने हमारी हंसी चुरा ली है। चल बता हमारी हंसी कहाँ, हमारी हंसी कहाँ चुरा कर रखी है? नहीं हमने आपकी हंसी नहीं चुराई है। तुमने हमारी हंसी चुराई है, चलो हमारी हंसी वापस करो। चलो बताओ हमारी हंसी कहाँ है? हिका देखो, हिका तो कोनो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वहाँ सास गई है बनारस पूजा पाठ करने के लिए ताकि का गोद भर सके, यहाँ मेरी दादी जी परेशान हो गई भगवानों के सामने मनोती कर करके, और यहाँ तक कि देवर जी परिवार समत परेशान है, और इका तो कोनो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस झूठा मुंह बना के सबके सामने खड़ी रहती है और मनी मन खुश है।
अब कोई कहा कर सकता है जब खुद ही नहीं चाहती कि माँ बने का बच्चा हो। तो सही कह रही नायकी, हम लोग एक दुख में इतने परेशान है और ये है कि हंसी ठट्ठा कह रही है।